राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों ने बीते 20 सालों से प्रदेश सरकार पर उनकी अनदेखी के आरोप लगाए हैं। मिशन के पदाधिकारियों की माने तो लगभग 1500 कर्मचारी इससे जुड़े हैं और 15 से 20 सालों के लंबे तजुर्बे होने के बावजूद भी उन्हें रेगुलर पे स्केल नहीं दिया जा रहा है। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान NHM कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए NHM कर्मचारियों के साथ दोहरी नीति अपनाने के आरोप लगाए। उनका कहना है कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने के बावजूद आयुर्वेदिक चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन व डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य कर्मचारी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, उन्हें ना तो कोई छुट्टी दी गई है और ना ही उन्हें रेगुलर पे स्केल दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारी खासे नाराज हैं। उन्होंने विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सर्वशिक्षा अभियान व मनरेगा के कर्मचारियों की तरह NHM कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल दिए जाने की मांग की है और सत्र के दौरान सरकार द्वारा इसकी घोषणा न किए जाने पर संघ के कर्मचारी आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी भी उन्होंने दी। हेल्थ मिशन के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। कोरोना के में ही पूरी निष्ठा और ईमानदारी काम किया है और आगे भी करते हैं। हमारे 5 कंपनी कोरोना ग्रसित भी हो चुके हैं, बहुत से इनकम बीमारियों से ग्रसित हैं, ना तो छुट्टी प्राप्त है ना वेतन उस पर काट दिया है। इसलिए कहते हैं कि वो दान करें ताकि कर्मचारियों के साथ उनके परिवारों भी पालन पोषण सही हो सके, कर्मचारियों का भविष्य स्वच्छ हो सके। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आपने जिस प्रकार अभियान और मंदा कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल प्रदान किया है, उसी प्रकार नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को भी रेगुलर पे प्रदान करें और इसे जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। यदि विधानसभा सत्र में रेगुलर पे स्केल प्रदान नहीं किया जाता है तो कर्मचारी मजबूर हो जाएंगे और मजबूरी बस वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आंदोलन करेंगे। वही एक रास्ता कर्मचारियों को नजर आ रहा है।